आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी हलचल। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी महीने में अब तक का सबसे बड़ा अभियान टीकाकरण अभियान चलाया था, जिसमें हर भारतीयों को कोरोना के टीका लगने थे। कोरोना की पहली लहर के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन शुरू भी किया गया था। तब इस अभियान में बहुत कम लोग भाग ले रहे थे। इसके दो कारण थे, कुछ लोग वैक्सीन लेने से डरते थे तो कुछ लोगों के मन से कोरोना का डर ही गायब हो गया था। ऐसे में वैक्सीनेशन सेंटर पर काफी कम मात्रा में लोग दिखाई पड़ते थे। सरकार के पास भी कोरोना वैक्सीन की डोज इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने विदेश में वैक्सीन का निर्यात भी किया, लिहाजा वैक्सीन की कमी हो गई। कोरोना के दूसरे लहर के बाद मार्च में जब तीसरे लहर ने एक बड़े पैमाने पर दस्तक दी तो लोगों में डर फिर धीरे धीरे कायम होने लगा और कोरोना की वजह से हुई मौतों की संख्या ने तो लोगों को इस कदर डरा दिया कि उन्हें कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय वैक्सीन ही नजर आने लगा। नतीजा यह हुआ कि जिन वैक्सीनेशन सेंटर पर एक्का दुक्का लोग आते थे वैक्सीन लेने, उन सेंटर्स पर इस कदर भीड़ होने लगी जैसे शहद की छत्ते पर मधुमक्खियों का झुंड। और जब 140 करोड़ जनसंख्या वाले विशाल देश में लोग इस कदर वैक्सीन के लिए टूट पड़ेंगे तो इस देश में वैक्सीन की कमी तो होगी ही। अभी 45 प्लस लोगों को पूरी तरह से टीका लगा भी ना था कि युवाओं पर तीसरी लहर की मार को देखते हुए सरकार ने 1 जून से 18 प्लस लोगों को भी टीका लगाने का आदेश दे दिया, जिसकी वजह से वैक्सीन की कमी और ज्यादा हो गई। आज आलम यह है कि देश के कई हिस्सों में वैक्सीन की कमी के कारण टीके रुक गए हैं, कई टीकाकरण बंद हो चुके हैं। मुंबई में कल टीके की कमी के कारण टीकाकरण नहीं हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के आपके विधायक अतीशी ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास भी वैक्सीन बहुत ही कम बची है, लिहाजा कई जगहों पर 18 प्लस लोगों का टीकाकरण बंद कर दिया गया है। बिहार में भी वैक्सीन की कमी की जानकारी बिहार स्वास्थ्य विभाग ने दी है। बिहार की सभी स्थिति दयनीय है, कभी कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं तो कभी घट रहे हैं, परंतु कोरोना से मौत के आंकड़ों में कुछ खास कमी आई नहीं है। पिछले 24 घंटे में बिहार में 4002 नए केस सामने आए, तो वहीं 107 लोगों की जान चली गई है। केवल बिहार ही नहीं, देश में भी कोरोना के मामले 3 लाख से 2.5 लाख के पास आ पहुंचे हैं, परंतु मौतें अभी भी बरकरार है और ऐसे मामलों में वैक्सीन की कमी होना बेहद चिंताजनक है। हालांकि केंद्र सरकार का दावा है कि देश में वैक्सीन की कमी नहीं है। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कल कहा कि देश में वैक्सीन की आपूर्ति पर्याप्त है, जो स्टेट जितना वैक्सीन मांगेगा उतना उसे दिया जाएगा। वैक्सीन मुद्दे को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने भी अमेरिका का दौरा किया, जहां वैक्सीन निर्माता कंपनियों से निर्माण की बात करेंगे। अमेरिका पहले से ही भारत की मदद करता आ रहा है। विदेश मंत्री के अमेरिका के इस दौरे से कुछ अच्छी खबर आने की उम्मीद की जा रही है। आज के टीडी न्यूज में इतना ही, देखते रहे टीडी हलचल। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश दुनिया की कोई खबर मिस न करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपके हक से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कंट्रोवर्सी की कोई न्यूज हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा टीडी न्यूज पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर।